अगर आपका ऑडियो माइक यहाँ पे जो है वर्किंग नहीं कर रहा है तो आपको कुछ जो है बहुत सारे लोग यहाँ पे उनको जो है मालूम नहीं पड़ता है और सोचते हैं कि उनको हार्डवेयर में कुछ इशू है, बट आप एक बार इसमें सॉफ्टवेयर में भी इशू रह सकता है। तो आज हम आपको बताएंगे, अगर पहले आप इसको जो है सॉफ्टवेयर में कैसे चेक करना है और कैसे इसको इसका जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपका ऑडियो माइक वर्किंग नहीं कर रहा है तो हम आज आपको डिटेल्स इस वीडियो में इसके बारे में जो बताएंगे गाइस। सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको चले जाना है अपना विंडोज बटन पे ऊपर, यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है साउंड SOUND। ओके, तो आप जैसे साउंड के ऊपर आपको क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन में मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली अपना जो है ऑडियो जैक को आपको यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है अपना सिस्टम में। नेक्स्ट आपको यहाँ पे आना है रिकॉर्डिंग। ओके, रिकॉर्डिंग पे आना है। अभी आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरा जो माइक्रोफोन यहाँ पे वर्किंग कर रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका जो है साउंड क्वालिटी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। तो यानी आपको यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा कि भाई यहाँ पे मेरा जो है वर्किंग कर रहा है माइक। तो अभी इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आपका ये नहीं हो रहा है, अगर आपका यहाँ पे वॉल्यूम का इंक्रीज आप देख पा रहे होंगे, मेरा माउस क्रॉसर यहाँ पे मैं आपको शो करवा रहा हूँ, अगर ये यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, इसको क्लिक कर देना है माइक के ऊपर और प्रॉपर्टीज के ऊपर आपको क्लिक करना है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आ जाना है लिसन लेवल। लेवल पे आपके आने के बाद आपका अगर यहाँ पे माइक्रोफोन अगर आपका 100 से कम है तो आपको इसको लेवल जो है 100 तक लेके आना है और इसका जो माइक्रोफोन बूस्ट लेवल +24 ये सेटिंग तक आपको जो है इसको कर लेना है। तो ये सेटिंग आप अभी आप माइंड में सेटअप कर दीजिए, आप ये आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सेटिंग जो है अपना सिस्टम में आप करके देखिएगा गाइस, तो आपका जो प्रॉब्लम है यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद आपको ओके कर देना है और इसको जो क्या है ओके करके आपको अप्लाई कर देना है आपका जो सेटिंग्स, एक बार आपका सिस्टम शट डाउन करके फिर आप अगेन आपको जो सिस्टम ऑन कर दीजिए और आपका जो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। और कुछ आपका अगर रही हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नया है तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।